क्या आप भी झड़ते बालों को लेकर परेशान हैं? और क्या आप भी इन झड़ते बालों को रोकने के लिए इंटरनेट पर घंटों तक उपाय सर्च करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके बाल गिरना कम नहीं हो रहे हैं? तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके गिरते बालों को कम कर देगा। दरअसल सिर के बालों को झड़ना और अचानक गंजापन आ जाना आजकल युवाओं में बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके शिकार हुए युवा ज्यादातर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। हालांकि कुछ टिप्स अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही कुछ टिप्स के बारे में बताते हैं। तेजी से झड़ते हैं बाल। कई लोगों में सिर के बाल झड़ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, उनके बाल धीरे धीरे पतले यानी कम घने होते जाते हैं। बाल झड़ने की इस समस्या के पीछे खानपान और लाइफस्टाइल में गड़बड़ी जैसे कारकों को जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा भी दूसरे कारण होते हैं। तीन तरीकों से झड़ते हैं बाल। सिर के बीच का हिस्सा गंजा होने लगता है। पूरे सिर के बाल कमजोर होकर कम होने लगते हैं। सिर के अगले हिस्से से बाल उड़ने लगते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुने डॉक्टर दीपक साहू की इस राय को। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की। क्यों सबसे ज्यादा हेयर फॉल आज देखने को मिल रहा है? अब हम बात करेंगे हेयर फॉल दो तरह से मान लेते हैं, एक तो जेनेटिकली, एक नॉन जेनेटिकली। जेनेटिकली जो हेयर फॉल होगा वो आपको जो है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जेनेटिकली होता है। एक नॉन जेनेटिकल है, उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे उपलब्ध है, ट्रीटमेंट बिल्कुल है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नॉन जेनेटिकली के रीजंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है एक तो हमारा स्ट्रेस, दूसरा है हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है, हर काम के अंदर स्ट्रेस होता है जिसके कारण से हेयर फॉल देखने को मिलता है। दूसरा है न्यूट्रिशन की कमी। आजकल हमारा आहार विहार बिल्कुल बदल गया है, जैसे चाउमीन, चिल्ली पटाटो, बर्गर वगैरह, ETC, इस तरह के आइटम हम खाते हैं, जंक फूड, तो उसमें ज़्यादातर अजीनोमोटो जैसी चीज़ें होती हैं जो कि इसको हेयर फॉल को बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। नॉन जेनेटिकल का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जेनेटिकली का ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है, बट जो नॉन जेनेटिकल रीजन है वो बहुत इजीली वे में हो सकता है। हाँ, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसमें हम ज़्यादा आंवला का टेकन करें, आंवला चूर्ण है इस तरह खा सकते हो आप लोग, साथ में हरी सब्जियाँ, संतरा, नींबू, मौसमी वगैरह सब इंटेक कर लीजिए, साथ में कैरेट है ठंड में जो आती है उसको हम खा सकते हैं। इनसे जो है विटामिन रिच जो फूड है उनको लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, थोड़ा योग करिए, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, एक सिंपल सा योग और बताऊंगा इस तरह से आप कर सकते हो, ये इजीली आप कर पाओगे और ये बहुत अच्छा इफेक्टिव भी है, तो ये करिए, बहुत इफेक्ट है। थैंक यू। हालांकि आपके बाल झड़ने के कारणों में उम्र का बढ़ना, स्मोकिंग, शराब, ड्रग्स का सेवन, तनाव, कुपोषण, खोपड़ी में संक्रमण, डायबिटीज और ल्यूपस नाम की बीमारी हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ अधिकतर बाल झड़ने की समस्या से जूझना ही पड़ता है। आपके बाल कब झड़ने शुरू होंगे इसका आप पता नहीं लगा सकते और ना ही हम हमेशा के लिए टाल सकते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें अपनाकर आप इस प्रक्रिया को डीले कर सकते हैं। बालों को मजबूत बना देते हैं ये तीन टिप्स। आपके सिर के बाल हेयर फॉल से ना उड़े इसके लिए आपको तीन टिप्स पर काम करना होगा। इनमें पहला टिप है कि अपने हेयर स्पेशलिस्ट से बात करनी होगी। दूसरी टिप ये है कि अपने स्टाइलिश से कंसल्ट करके बालों को पूरा पोषण देना। और तीसरा है घर पर बालों की खुद से देखभाल करना। इस तरीके से करें बालों की देखभाल। अगर आप एंड्रोजेनेटिक एलोपिया से पीड़ित हैं तो इस समस्या को खत्म करने का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हालांकि आप तुरंत इलाज शुरू करवा कर बालों के झड़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। इसके लिए आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करें। इसमें बालों की जड़ों को पोषण और पर्याप्त ब्लड सप्लाई मिलती है, जिससे सिर के बाल दोबारा उगने लगते हैं। इसका असर 2 से 6 महीने में दिखने लगता है। यह इलाज ज्यादा महंगा भी नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखें कि एक बार इलाज शुरू कर देने पर उसे बीच में छोड़ना नहीं है, वरना उसका असर खत्म हो जाता है। आप अपने हेयर एक्सपर्ट की गाइडलाइंस लेकर प्रोपिया की दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह बालों की जड़ों को मजबूत करती है और नए बाल लाने में मदद करती है। इसके रिजल्ट आने से कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक लग जाता है। सिर के फंगल इन्फेक्शन को करवाएं दूर। एक्सपर्ट के मुताबिक कई बार सिर में फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। इससे निपटने के लिए केटोनोजोल युक्त एंटी फंगल शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। यह शैम्पू सिर में किसी भी तरह के संक्रमणों को दूर करता है। बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए इसे सिर में लगाकर कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए।
इन सब उपायों के बावजूद अगर आपके सिर में बाल झड़ चुके हैं, बालों की जड़ खत्म हो चुकी है, तो फिर आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही आखिरी उपाय बच जाता है। यह ट्रांसप्लांट किसी बेहतरीन सर्जन से ही करवाना चाहिए, वरना आपके चेहरे का स्टाइल हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार अपने हेयर एक्सपर्ट की सलाह इसमें जरूर लें, जिससे आपको सही वजह पता चलेगी और आप अपने झड़ते बालों को रोक पाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ मैं, आपसे फिर मुलाकात होगी नए कॉन्सेप्ट के साथ।